हमको थोड़ा बहुत यार। फिलहाल हम लोग एरर पे चलते हैं। एरर का किस किन किन कारणों से एरर शुरू करते हैं हम लोग, तो ये बेसिकली हो सकता है आज खत्म हो जाए। तो एरर किन किन कारणों से होता है ये हमें पता लगा लिया था। एरर के बेसिकली दो कारण होते हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक में तीन टाइप के होते हैं, तीन वजह से मतलब सिस्टमैटिक एरर आ सकते हैं। किन किन वजहों से? इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ सकते हैं, टेक्निक की वजह से आ सकते हैं, और पर्सनल कोई रीजन हो उसकी वजह से भी एरर आ सकते हैं। और रैंडम मतलब हाँ, मतलब ना इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है, ना टेक्निक में गड़बड़ी है, ना तो पर्सनल में कोई गड़बड़ी है, लेकिन रैंडम कोई एरर आ जाए, तो वो प्री प्लान नहीं था। तो रैंडम एरर मतलब कि समझ रहे हो ना, जो अचानक से आ जाए, जो प्री प्लान ना हो। तो ये तीनों एरर हो गए। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर, मतलब कितने टाइप के एरर होते हैं। तो ये आसान है, सिंपल है, अब इसी पे लेकिन न्यूमेरिकल भी आएगा। तो टाइप ऑफ एरर में पहला आ जाता है एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर? एब्सोल्यूट, एकदम नाम पे ही चले जाओ, मतलब रटना नहीं है लेकिन नाम से पता लगा लोगे। जैसे हम लोग प्रायः जनरल टॉक में भी, जनरल बातों में भी बोल देते हैं कि यार एब्सोल्यूटली गुड, तो उसका क्या मतलब समझ में आता है? एकदम सही, सही, सटीक, कुछ ऐसे तरह का। जब हम लोगों को परफेक्शन दिखाना होता है या काफ़ी सही चीज़ें बतानी होती है तो हम लोग एब्सोल्यूटली बोलते हैं, एब्सोल्यूटली राइट, यू आर एब्सोल्यूटली राइट, आप काफ़ी सही हैं, ऐसे करके। तो एब्सोल्यूट एरर यानी एरर भी है लेकिन एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो यानी एरर की वह वैल्यू, एरर की वह वैल्यू, पहली बात तो एरर क्या होता है? एरर का हिंदी मतलब गलती, और अगर अंग्रेजी में लिखा जाए वही जैसे रटने वाला बोले हैं, तो रट के क्या लिखोगे? रट के डिफिनेशन तो लिखना होगा ना, तो क्या लिखोगे उसको? बताओ, इम्परफेक्शन इन टेक्निक लिख दो या जो भी। तो एरर निकलेगा कैसे? एरर निकलता है, मैंने बताया था कि एक होती है ट्रू वैल्यू। मैंने क्या बताया था? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है? जो हम लोगों को डिजायर्ड हो, डिजायर्ड वैल्यू, जो हम लोगों को चाहिए या जिस पे हमको काम करना है, जो भी हमारी डिजायर्ड वैल्यू हो वो हमारी ट्रू वैल्यू हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 5 मीटर कपड़ा मांगा था, तो 5 मीटर कपड़ा हमारा डिजायर्ड था, हमको, हम 5 मीटर कपड़ा ही पहनेंगे, वो हो गई हमको ट्रू वैल्यू। और मेजर्ड वैल्यू क्या हो गई? जो हम मेजर करते हैं, जो हम मेजर करते हैं, कम मेजर करते हैं, ज़्यादा मेजर करते हैं, एकदम सही सही मेजर करते हैं, एक्यूरेट मेजर करते हैं, वो बात की बात है, लेकिन जो हम मेजर कर रहे हैं यानी जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जो हम वर्क कर रहे हैं, वो हमारा मेजर्ड वैल्यू हो गई, ठीक है, यानी वर्किंग वैल्यू एक तरीके से, ठीक है। अब अगर हमको 5 मीटर कपड़ा चाहिए और बंदे ने 5 मीटर कपड़ा हमको दिया, तो एरर कितना हुआ? जीरो। ये बात समझ में आ गई। और अगर हमको 5 मीटर कपड़ा चाहिए और बंदे ने 5.5 मीटर कपड़ा नापा, तो एरर कितना हुआ? 0.5। कैसे पता चला? हमने क्या किया कि मेजर्ड वैल्यू में से, हाँ, मेजर्ड वैल्यू माइनस, तो जब भी हम मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करेंगे तो हमको तुरंत एरर पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो पहली बात तो हमको ये पता चलेगा कि एरर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ट्रू वैल्यू माइनस, कहीं कहीं लिखा जा सकता है, और सॉरी, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, कहीं कहीं लिखा जा सकता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, सही है वो, बस प्लस माइनस का अंतर आएगा। और मैंने पहले ही बताया कि प्लस माइनस से क्या मतलब है, कि प्लस से हो जाएगा कि एरर ज़्यादा हो गया, और माइनस से मतलब हो गया एरर कम हो गया, नेगेटिव में हो गया। माने अगर 5 मीटर कपड़ा चाहिए और मेजर हो गया 5.5, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ 0.5 प्लस में हो गया, ये एरर प्लस में हो गया। और अगर हमको 5 मीटर कपड़ा चाहिए और हमने नाप दिया 4.5, तो एरर जो है वो माइनस में हो गया, ठीक है। और दोनों को जोड़ देंगे, जीरो हो जाएगा। ऐसा करेंगे टोटल एरर निकालने के लिए? 1 हो जाएगा, जीरो नहीं होगा ना, क्यों? प्लस का, क्यों प्लस का 0.5, प्लस प्लस का 0.5 ऐसे जोड़ेंगे माइनस का, ऐसे माइनस नहीं होता। अरे वाह, क्या बात, मतलब समझ गए बात को, ठीक। तो मतलब एरर इक्वल टू हो गया मेजर्ड वैल्यू माइनस, ठीक। इसी एरर को बोल देंगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर। क्या बोल देंगे? अब यही तो सही सही एरर है, यही तो सही सही एरर है, अब इसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है? कुछ नहीं, यही सही सही एरर है, इसको बोल देंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को लिखेंगे कैसे? डेल्टा ई। क्या लिख देंगे? डेल्टा ई।
कहीं कहीं लिख देते हैं डेल्टा ए, ठीक है, डेल्टा लगा देना, डेल्टा मतलब स्मॉल क्वांटिटी, ऐसे समझ लो। डेल्टा कहीं भी लिखा आ जाए फिजिक्स में तो क्या मतलब हो गया इसका, अब एरर तो स्मॉल ही क्वांटिटी होगा। ऐसा तो है नहीं कि 5 मीटर कपड़ा नापने गए एरर हो गया 10 मीटर का, 5 मीटर एक्स्ट्रा नाप दिया तुरंत मार्क भगा दिया जाएगा उसको, एरर दो चार इधर उधर होगा, दो चार पॉइंट का, तो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी एरर होगा ना। किसी को 10 किलोमीटर रोड बनाना है वो गलती से 20 किलोमीटर बना दिया, ऐसा होगा कभी नहीं? चलो कोई बात नहीं, तो समझ में आएगी बात। तो एरर हमेशा स्मॉल क्वांटिटी होगा, इसलिए हम एब्सोल्यूट एरर को क्या लिख देते हैं, या तो डेल्टा ई लिख दो या तो डेल्टा ई लिख दो, ठीक है। तो इज इक्वल टू नोटेशन लिख रहे हैं हम, इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू यानी ए कर दो इसको, माइनस ट्रू वैल्यू मतलब कि ए मीन कर दो, ठीक है, ए मीन कर दो, समझ आएगा कि ये ट्रू वैल्यू है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा कि डेल्टा ए इज इक्वल टू ए माइनस ए मीन, ये हो गया हमारा फॉर्मूला एब्सोल्यूट एरर का। क्लियर हुआ ये चीज़? पहला हो गया एब्सोल्यूट एरर, समझ आई बात। अब दूसरा होता है रिलेटिव एरर। दूसरा क्या होता है? रिलेटिव कौन होते हैं रियल लाइफ में? रिश्तेदार, जिनसे तुम्हारा कुछ रिश्ता हो, जिनसे तुम्हारा कुछ वो रिश्तेदार, वो रिलेटिव। तो अगर हम रिलेटिव एरर की बात कर रहे हैं, यानी कुछ रिश्ते से बात आ गई इसमें, और किससे रिश्ता होगा? एरर से ही रिश्ता होगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि एरर का रिश्ता नहीं होगा, गलत आदमियों का भी गलत आदमियों के साथ रिश्ता होता है ना, तो वैसे ही अब रिलेटिव एरर पढ़ेंगे। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर कुछ नहीं, एब्सोल्यूट एरर अपॉन, एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, यानी कि एब्सोल्यूट एरर का रिश्ता ट्रू वैल्यू के साथ रिलेटिव एरर कहलाता है, ठीक है। पहले ये नोट कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ इसको अच्छे से, पहले ये नोट कर लो। उनका डिसरिस्पेक्ट करने से मतलब बेहतर है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करिए, क्योंकि बात ये होती है कि टीचिंग में टीचर एज अ पर्सन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, वो पोस्ट वो ओहदा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आपके सामने कोई टीचर बन के आया है तो हो सकता है कि वो गड़बड़ हो, तो उसे आप छोड़ दीजिए। मान लीजिए अगर कोई टीचर बन के आपके सामने आया हो और आपको लगा कि वो टीचर जो है ये गड़बड़ आदमी है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसका उसको मतलब उसकी बेइज्जती करने से या और सी चीज़ करने से बढ़िया है कि उसको छोड़ दीजिए। जब सब लोग उसको छोड़ देंगे तो वैसे भी यूजलेस हो जाएगा, लेकिन जब आप उसका डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो एक्चुअली आप उस ओहदे की भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो चीज़ ठीक नहीं है। हम ये छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाते हैं, इसी वजह से सोसाइटी में आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं, ईगो सामने आ जाता है। तो उसके ओहदे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप पर्सन तो आता जाता रहेगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो एक ओहदा है। हम एक्चुअली अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो हम लोग नरेंद्र मोदी की इज्जत इसलिए नहीं करते हैं कि वो एक पर्सन है, हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस कुर्सी पे बैठे हैं, उस ओहदे पे बैठे हैं। यही ओहदा ख़त्म हो गया उनका, तो जो अगला आदमी उस कुर्सी पे आएगा वही रिस्पेक्ट उसकी हो जाएगी। तो ओहदे को हम लोगों को देखना चाहिए। अगर आपको वो बंदा पसंद नहीं, जैसे कि अगर आपको आपका प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है तो वोटिंग सिस्टम आप प्राइम मिनिस्टर को बदल दीजिए, लेकिन उस ओहदे को तो गाली मत दीजिए, उस ओहदे को बुरा भला मत कहिए, वो बात होती है। तो हम लोग आते हैं रिलेटिव एरर पे। तो एब्सोल्यूट एरर जान लिया था हमने क्या हुआ था, तो रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इज एक्चुअली अ रेशियो, रिलेटिव एरर इज अ, हाँ, इट इज अ रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर का बीच का जो रेशियो होगा वही एक्चुअली रिलेटिव एरर कहलाता है, रिलेशन। तो क्या रिलेशन है रिलेटिव एरर का? रिलेटिव एरर का भैया ये रिलेशन है कि एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा ए अपॉन मीन वैल्यू यानी ये मीन, ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव एरर। बात समझे? ये आसान है, और इससे ज़्यादा समझना इम्पॉर्टेंट ये है कि परसेंटेज एरर क्या होता है, ध्यान से समझना। तीसरा और लास्ट है ये कि परसेंटेज एरर क्या होता है। परसेंटेज एरर, परसेंट शब्द जहाँ पे यूज हो गया,
परसेंट शब्द जहाँ पे यूज हो गया वहाँ पे तुरंत दिमाग में क्या आता है, 100। ऐसे परसेंट आया, जैसे ही परसेंट शब्द यूज आया हुआ वैसे हमारे दिमाग में इमेजिन हो जाता है 100%, ऐसे करके ये साइन के साथ इमेजिन हो जाता है, ठीक है। तो अब परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर ये होता है कि जो रिलेटिव एरर, सीधी सीधी बात कि रिलेटिव एरर में, रिलेटिव एरर जब हम रिलेटिव एरर का परसेंटेज कन्वर्जन कर देते हैं यानी रिलेटिव एरर इनटू 100 कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज एरर। जब हम रिलेटिव एरर इनटू परसेंट कर दिए या रिलेटिव एरर इनटू 100 कर दिए तो ये पूरा रिलेटिव एरर क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। यानी परसेंटेज एरर को फॉर्मूले के तौर से लिखोगे तो क्या लिखोगे कि डेल्टा ए अपॉन ए एम इनटू 100, ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर। इसको और ओपन करके लिखना चाहोगे तो देखो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मतलब क्या, मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, ठीक है, अपॉन ए एम का ए एम इंटू ए एम यानी मीन वैल्यू बेटा इंटू 100, एक ओपन करके हो गया परसेंटेज एरर, ठीक है, समझ आ गई बात, नोट कर लो। अब उसके बाद हम लोग फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे, नोट कर लो जल्दी, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे न्यूमेरिकल परसेंटेज एरर के आते हैं वो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो एरर ही नहीं, बेसिकली कोई भी फंडामेंटल चीज़ों को अगर कंबाइन करोगे तो किससे कंबाइन हो सकते हैं, वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से और सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। रामू ने श्यामू को 5 आम दिया, श्यामू ने रामू को 6 आम दिया, टोटल कितने आम दिए कितने लोगों को, तो 6 5 जोड़ दोगे 11 चीज़ों को जोड़ दिए। फिर रामू ने श्यामू को 5 आम दिया उसमें से सीता 2 आम खा गई, घटा दिए, इस तरह से कितने भी कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज़ों को फिजिक्स मैथ वगैरह में कंबाइन कर रहे होगे तो कॉम्बिनेशन में या तो एडिशन करोगे या तो सब्ट्रैक्शन करोगे या तो मल्टीप्लिकेशन करोगे या तो डिवीजन करोगे, यही बेसिक रूल है कॉम्बिनेशन के, ठीक है। तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ जब एरर करोगे तो एरर को भी कंबाइन करने के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग पहले देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में तो ध्यान देना मेरी बात, पहले कैसे लिखते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, ठीक है, लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बी, हाँ ए, ठीक है, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, लेट एनदर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी हमने बी ले लिया, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ए ले लिया, कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बी ले लिए। अभी हमने देखा कि एक्चुअली एरर को लिखते कैसे हैं, डेल्टा ए इज इक्वल टू कैसे लिखते थे हम लोग, मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, ऐसे लिखते थे कि एरर को कैसे लिखते थे कि डेल्टा इज इक्वल टू ए माइनस ए एम, ठीक है। अब अगर मान लो एरर कम हुआ तो ऐसे लिख दिए, एरर ज़्यादा हुआ तो कैसे लिख देंगे, ए प्लस ए एम, सीधी सीधी बात है, ऐसे तो लिखेंगे, ये भी डेल्टा हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर 5 मीटर कपड़ा मांगने गए और तुमको दे दिया 5.5, 5 मीटर कपड़ा नाप लेने गए और तुमको मिल गया, तो ये ट्रू वैल्यू हो गई और ये मेजर्ड, तो मेजर्ड वैल्यू में से यानी 5.5 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0., ठीक है। अब अगर तुम कपड़ा नापने गए 5 मीटर के लिए कपड़ा लेने गए और तुमको मिल गया तुम 4.5, तो उस वक्त क्या करोगे, 4.5 माइनस 5 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 0.5, तो अंतर कहाँ आया, बस साइन में अंतर आया। तो उसी तरह अगर हम
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से, प्लस करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो अब यानी कि हम लोगों को मोटा मोटा क्या पता हो गया कि एरर को लिखने का तरीका क्या होता है। तो एरर को लिखने का तरीका अगर मैं कंबाइन तरीके से लिखूं तो डेल्टा ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ए एम, ऐसे लिख सकता हूं। अब तो लिख सकता हूं, बड़ा हुआ तो प्लस, छोटा हुआ तो माइनस। समझ आ गई बात? तो अब ध्यान से समझना कि मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लिया ए, मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लिया ए, और ए को नापने में अगर एरर होता है, मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लिया ए और कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है बी, अब ए को नापने में अगर एरर होता है तो एरर इन ए क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे? तो एरर इन ए को लिखेंगे हम लोग ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए। उसी तरह अगर हम बी लिखें तो क्या लिखेंगे? बी प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है। टोटल एरर कैसे आएगा जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे? तो पहले हम लोग इनिशियल स्टेज पे जाते हैं। इनिशियल स्टेज पे जाने का क्या मतलब कि अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी ए और बी को जोड़ते हैं तो वो निश्चित रूप से कोई तीसरे क्वांटिटी जेड के बराबर आ जाएगी, कोई भी। ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, या 6 किलोमीटर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो किसी जेड के बराबर आ जाएगा, ठीक। अब विद एरर की अगर हम बात करेंगे, अगर हम एरर के साथ जोड़ेंगे तो ए को क्या लिखना पड़ेगा? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी को क्या लिखना पड़ेगा? बी प्लस माइनस डेल्टा। तो जाहिर सी बात है इसमें भी तो एरर आएगा, तो यानी जेड को क्या लिख देंगे? जेड प्लस माइनस डेल्टा। शाबाश, बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, ये लिख लेते हैं हम लोग, ए प्लस बी, प्लस है बीच में तो इन, पक्का ना कि प्लस में है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो कंफर्म नहीं है क्या? इनटू में कहाँ है बीच बताओ पक्का? हमको मैथ नहीं आता है, मैथ फेल हो जाते थे। अरे पगली, जब इनटू रहेगा तब वाला लगाएंगे, पहले इसका इनटू फिर उसमें, इसमें तो डायरेक्ट लिख देंगे कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे साइड में लिख दो ए प्लस बी, और इसको लिख दो डेल्टा ए, हाँ प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से ये देखना कि ए प्लस बी किसके बराबर था? जेड के बराबर था। तो यहाँ पे यानी जेड लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, ए प्लस बी की जगह हमने लिख दिया जेड, और ये लिख दिया प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। क्या जेड जेड कैंसिल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यानी कि हमको क्या मिल गया कि टोटल एरर जेड जो होगा वो हमेशा बराबर होगा सम ऑफ द एरर, सम ऑफ द एरर, डेल्टा डेल्टा भी एरर ही तो है, तो जो टोटल एरर होगा वो हमेशा क्या होगा? सम ऑफ द एरर से एडिशन। अब अगर माइनस में होगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे तब भी सम ही होगा, और अगर प्लस होगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तब भी सम ही होगा। इसलिए मैं कहा कि एरर में कभी माइनस, क्लियर हुआ ये चीज पक्का? तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग इसी तरह सब्ट्रैक्शन का आराम से कर लोगे, मतलब मैंने एक साथ बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का, तो पहले ये नोट कर लो मल्टीप्लीकेशन। तो वही सेम प्रोसेस, लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी भी, लेट एनी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी ए मान लिए, ठीक है। सेकंड फिजिकल कोई क्वांटिटी लेते हैं उसको हमने क्या मान लिया? बी। मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका मतलब सीधा सीधा ए डॉट बी, और इसको किसी तीसरे क्वांटिटी यानी जेड के बराबर मान लेते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? अब फिजिकल क्वांटिटी ए विद एरर को कैसे लिखेंगे? ए प्लस माइनस डेल्टा। अब फिजिकल क्वांटिटी बी विद एरर, बी प्लस माइनस डेल्टा। समझ गए बात? ये भी समझ गए। अब मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका मतलब है कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा
तो रिजल्ट आना चाहिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये भी क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जो तुम कह रहे थे वो वाला इन टू, कि ए का इन टू पहले बी में करेंगे ए बी, फिर ए का ही इन टू डेल्टा बी में करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए डेल्टा बी, फिर अब डेल्टा ए का इंटू बी में करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, फिर अब डेल्टा ए का इंटू डेल्टा बी में करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, समझ आ गई बात। अब इसमें ध्यान से देखो कि डेल्टा ए भी स्मॉल क्वांटिटी, डेल्टा बी भी दोनों का इंटू और स्मॉल, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। छोटे लोगों को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, छोटे का इनटू छोटे में हो गया वो और छोटा हो गया, दो छोटे लोग मिलकर छोटा ही काम करेंगे और, है ना, तो उनको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या बच गया, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा, बात समझ में आ गई। अब ए इंटू बी क्या था, तो a इंटू बी की जगह z लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन इंटू बी, ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। अगर हम z से सब में डिवाइड करते हैं तो कोई दिक्कत, सब में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हम z से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई z, इसमें भी तो इसमें भी तो इसमें भी तो इसमें भी करना पड़ेगा ना, ना तो इसको एक्चुअली में हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जेड अपॉन डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड, है ना, तो ये जेड से जेड कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, वन वन बचेगा, वन बचेगा ना, वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन इज इक्वल टू यहाँ भी वन प्लस माइनस ए, यहाँ पे ध्यान से देखना, ए डेल्टा बी अपॉन जेड की वैल्यू लिख देते हैं ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी अपॉन जेड की वैल्यू रख देते हैं ए बी, रख दिए ए से ए फिनिश, बी से बी खचाक, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, तो वन से वन यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा, तो बेसिकली बचा क्या, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, अभी ए थोड़ा पहले लिख देते हैं, ऐसे क्या मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बचपन में हम लोग एलकेजी में ए पहले पढ़े थे, तो थोड़ा ए पहले लिख देते हैं, तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में एरर अपने रिलेटिव क्वांटिटी के साथ लिखा जाएगा, ये वही देखो रिलेटिव वाला बन गया, एरर विथ मीन वैल्यू, एरर विथ मीन वैल्यू, एरर विथ मीन वैल्यू, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है। अब इसी में 100 से इंटू अगर हो जाए तो ये परसेंटेज एरर हो जाए, अगर इसी में आप कर दो कि डेल्टा जेड बाई Z इंटू 100 तो सब में हो जाएगा, यानी डेल्टा A बाई A इंटू 100 और प्लस माइनस डेल्टा B बाई B, ये तुरंत सब क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर, क्लियर हुआ ये चीज़, नोट कर लो इसको। पावर का देख लेते हैं, नोट कर लो, पावर की बात करते हैं, तो कोई क्वांटिटी आराम से लेते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि पावर के साथ होता क्या है, चालू कर दिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि पावर के साथ होता क्या है, मतलब एरर के कॉन्सेप्ट में पावर के साथ क्या हो जाता है, तो एक बार देख लेंगे पावर के साथ क्या होता है, फिर जहां जहां जैसे जैसे पावर आएगा वही काम हम लोग कर देंगे। तो पहले सिंपल सा केस लेते हैं कि जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, वो स्क्वायर यानी डबल बार रिपीट है, उसके उसका हम लोग एरर देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू, इसको साइड लिख लेता हूँ ताकि आराम से ऐसे चला जाऊँ, जेड इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर, तो एक्चुअली जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, ए डॉट ए, यही हुआ। अब ए को एरर के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, अब तो एकदम मुँह जबानी सब समझ में आ रही होगी बात, है ना, तो जेड इज इक्वल टू, जब हम
ए प्लस डेल्टा है इसको लिखेंगे तो जेड को भी जेड प्लस डेल्टा जेड करना पड़ेगा, तो ये हो गया ए प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए, और ये हो गया हमारा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब देखो ध्यान से, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसको तो ए स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा हाँ प्लस माइनस डेल्टा ए ए, फिर से हो जाएगा हमारा प्लस माइनस ए डेल्टा ए, है ना, और ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा ए, तो छोटा छोटा मिलकर के और छोटा हो जाएंगे, और इनको हम क्या कर देंगे, छोटे आदमी को निगलेक्ट, और छोटा आदमी कौन होता है, जो गरीब हो ना, कपड़े फटे हो नहीं, जिसकी सोच छोटी हो, माने कपड़ा बहुत बढ़िया पहना हो लेकिन मेंटेलिटी उसकी एकदम कुकुर वाली हो, कुकुर नहीं, हम लोग कुत्ते को बदनाम करते हैं एक्चुअली, हमको सबसे बढ़िया जानवर कुत्ता लगता है, इतना वफादार होता है ना, आदमियों को कभी कुत्ता गाली नहीं देना चाहिए, बल्कि कुत्ते को तुम आदमी बोलते हो बुरा मान जाते हैं, भोंकने लगते हैं सब, आदमी जो है बड़ा नीचे गिर गया है, पता नहीं क्यों इतना नीचे गिर गया। ए स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा ए ए, तो प्लस माइनस डेल्टा ए ए, तो जो छोटा हो उसको कर देना चाहिए, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अरे क्या बात, तुमको तो आ गया, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट ए प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट ए, समझ आ गई बात, डिवाइड कर देना, जेड को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ना, ए खत्म 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 यानी जीरो ना, अरे क्या बात, सीख गए तुम तो, ए से ए खचाक, तो क्या हो गया, वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, वन से वन, तो क्या आ गया, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, यानी कि डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू टू डेल्टा ए बाई ए। यहाँ से एक चीज़ समझ में ये आ गई कि जो पावर होगा वो एरर के ऑपरेशन में इनटू में आ जाएगा, जो पावर होगा वो एरर के ऑपरेशन में क्या आ जाएगा, ये चीज़ समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो, पूरे को नोट कर लो, न्यूमेरिकल करवाते हैं, सब क्लियर कर देते हैं, पॉज कर दो, चलो क्वेश्चन पढ़ो, पहला एरर का बता रहे हैं, और फिजिकल क्वांटिटी पी, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है पी इज रिलेटेड टू फोर ऑब्जर्वेशन पे, ये क्वांटिटी रिलेटेड है, और वो फोर ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं, वो फोर ऑब्जर्वेशन हैं ए बी सी डी, फिर उसका रिलेशन है पी इज इक्वल टू, अच्छा रिलेशन भी दिया हुआ है, पी इज इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी, अच्छा यानी सिर्फ अंडर रूट सी है, ठीक, अब क्या करना है, द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट ए बी सी डी, अच्छा अब ध्यान से देखना, परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट, परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर ऑफ ए की अगर हम बात करें, मान लो हम बात करते हैं परसेंटेज एरर ऑफ ए, तो परसेंटेज एरर ऑफ ए की अगर हम बात करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1% दिया होगा, परसेंटेज एरर तो 1% लिखेंगे, ठीक, उसी तरह परसेंटेज ऑफ ए बी की बात करें कितना दिया होगा, ठीक, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया,
हाँ तो क्वेश्चन में परसेंटेज एरर बोल दिया, यानी एक्चुअली ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे दी गई है सीधे है। हाँ वही, उसको ए लिख देते हैं अब, वो तो समझाने के लिए बताया था। उसी तरह परसेंटेज ऑफ सी का हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, इसका कितना है 4%। फिर इसका है तुम्हारा, ठीक है, तो जब भी परसेंटेज एरर दिया होगा तो एक्चुअली क्या डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे दी गई है वो, ये चीज क्लियर है। तो ये दे दिया गया है, अब क्या पूछा गया है, पी का परसेंटेज एरर निकालना है। सॉल्व करने का तरीका देखो ध्यान से, एकदम ध्यान देखो, समझ में आ जाएगा पहली बार में। पी इज इक्वल टू है ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी डी, ये चीज क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखना, P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या C के पावर 1/2 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं, और इसको D भी लिख सकते हो। इसको अगर हम एक स्टेप और आगे लिखना चाहें तो क्या इसको ए क्यूब बी स्क्वायर सी के पावर -1/2 नहीं लिख सकते हैं, और डी के पावर -1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो ध्यान से, हमको परसेंटेज एरर इन पी निकालना है, तो अभी तो ऑपरेशन ही शुरू हुआ है, तो पी इज इक्वल टू पावर क्या हो जाता है, इनटू में आ जाता है पावर, और एरर में प्लस माइनस कभी और पावर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। पर अब हम लोग रिलेटिव एरर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो रिलेटिव एरर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 3 डेल्टा ए अपॉन ए 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी -1/2 डेल्टा सी अपॉन -1 डेल्टा डी अपॉन, क्योंकि हमको परसेंटेज एरर निकालना है इसलिए हमने पहले इसको रिलेटिव एरर के फॉर्मेट में लिखा। हम लोग जानते हैं ना रिलेटिव एरर इन 200 परसेंटेज एरर होता है, इसको भी रिलेटिव एरर के ही फॉर्म में लिख दो पी को भी, तो हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी। अब इसी स्टेप को ध्यान से देखना कि डेल्टा पी अपॉन पी इन 200 करेंगे तभी तो परसेंटेज एरर आएगा, इज इक्वल टू 3, अब हो गया ये डेल्टा ए अपॉन ए इन टू, यहाँ पे अभी तक इनटू था लेकिन परसेंटेज एरर, एरर को हमेशा क्या करते हैं सम अप करते हैं, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, तो बीच में प्लस लग जाएगा, यानी प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन, ये माइनस है लेकिन माइनस होगा क्या, माइनस नहीं होगा यहाँ पे ना, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू, फिर यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, 1 है तो 1 लिखने कोई मतलब नहीं, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू, ठीक है 1 लिखी दो बवाल ना हो, ठीक है, तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल टू 3, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 की वैल्यू कितनी दी गई है, डायरेक्ट लिख दो 1%, फिर इस तरह 2 इंटू 3%, फिर प्लस 1/2 इंटू 4%, प्लस 1 इंटू 2%, तो क्या हो गया 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, और ये कट गया बच गया 2, यानी कि 2% प्लस 2%, तो 6 3 9 9 2 11 11 2 13 परसेंट, टोटल परसेंटेज एरर हो गया। एरर के क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ कुछ, सिंपल हैं, तो ये नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ रुक दो, अब अगला क्वेश्चन